दिन बात रात होइबे करी, दिन बात रात होइबे करी, अब बादल बात बरसात होइबे करी, आ जो हमारे चैनल से पढ़ी वो उल्लंघ रिजल्ट लेबे करी। तो मैं धीरज सर आप लोगों के बीच फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। तो आज हम लोग देखेंगे कि निषेचन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन होता क्या है, निषेचन के बारे में जानेंगे आज। तो निषेचन बता दें कि निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो निषेचन यानी कि नर युग्मक मेल गैमेट एस्पर्म यानी शुक्राणु तथा मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट ओवम यानी अंडाणु मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं निषेचन। तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, मेल गैमेट यानी नर युग्मक स्पर्म यानी शुक्राणु तथा फीमेल गैमेट मादा युग्मक ओवम यानी अंडाणु को मिलने की क्रिया को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए ये जो है क्या है, ओवम है, ये जो फिगर है ओवम यानी अंडाणु का फिगर है। और ये देखिए बहुत सारा स्पर्म यानी कि शुक्राणु है, क्या है, शुक्राणु है, स्पर्म है। अब देखिए ये जो है अंडाणु से मिलने के लिए बहुत सारे स्पर्म जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं बहुत सारे संख्या में होते हैं, करोड़ों के संख्या में होते हैं, और उसमें एक बाहुबली होता है ना, एक बाहुबली स्पर्म होता है, वही जाकर के क्या करता है, बाहुबली स्पर्म जो होता है वही जाकर के अंडा को फर्टिलाइज करती है, निषेचित करती है, सब नहीं कर पाता है। जैसे आप लोग मूवी देखे होंगे तो उसमें एक हीरोइनिया होती है और बहुत सारे गुंडे होते हैं, माने हीरोइनिया को चाहने वाला बहुत सारे गुंडे लफंगर होते हैं, वो कहता है कि हमरा चाहिए, तो वो कहता है कि हमरा चाहिए, तो वो कहता है कि हमरा चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब एगो हीरोइन है तो कोई एक ही को ना रख सकता है उसको भाई, है तो वो एगो जो बाहुबली होता है उसमें जिसका नाम है हीरो, उस साला ससुरा पूरा को पूरा जितना गुंडवा लफंगर होता है सब एक चुंबर निकाल देता है और हीरोइनिया को बाहों से लगा लेता है। ठीक है, वही बात है निषेचन में, फर्टिलाइजेशन में ये बहुत सारे जो स्पर्म है सब साले गुंडे सब है। ठीक है, और ये जो है हीरोइन है। ठीक है, तो यहाँ से एक इसमें से जो बाहुबली क्या होगा, स्पर्म होगा, स्टर्म होगा, वही आकर के ई अंडाणु को ओवम को फर्टिलाइज करेगी, निषेचित करेगी। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा, तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी कि 46 होती है और मनुष्यों में 23 जोड़ी अगर पूछा जाए कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो 23 यानी कि 23 जोड़ी, याद रखिए। और एक बात और बताना चाहेंगे डिटेल्स में कि निषेचन होता क्या है, कैसे निषेचन होता है। तो निषेचन जैसे कि कुछ लड़कवा सब ज़्यादा छटपटाता है, जो 14 साल से लेकर के 20 साल की उम्र वाला लड़कवा सा है ना, ज़्यादा तनिक छटपटाता है। ठीक है, तो बता देते हैं कि ये जो है फिगर जो है क्या चीज़ का फिगर है, गर्भाशय का फिगर है, क्या चीज़ का, गर्भाशय का फिगर है। ठीक है, और ये फीमेल की गर्भाशय, इसका फीमेल की गर्भाशय का फिगर है। तो फीमेल की गर्भाशय में दो क्या होता है, अंडाशय यानी कि ओवरी, ये क्या है, दो क्या है, ओवरी, और ओवरी में ही यानी कि अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है, दो दो क्या है, अंडाशय है। ठीक है, ओवरी है दो दो को फीमेल में, ठीक है, फीमेल के गर्भाशय में दो दो ओवरी होती है और ओवरी के अंदर, ओवरी में ही ओवम यानी अंडाणु का निर्माण होता है। तो देखिए ये अंडाणु है ओवरी के अंदर, ठीक है, तो ये ओवरी के अंदर जब अंडाणु मेच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो निषेचन की क्रिया के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, और ये जो है बाहर निकलेंगे किसमें, फ्लोपियन ट्यूब में यानी फ्लोपियन नलिका में निकलेंगे। ठीक है, तो ये फ्लोपियन नलिका में निषेचन के लिए निकलते हैं, क्या है, अंडाणु है। ठीक है, तो निषेचन की क्रिया के लिए अंडाशय से, ओवरी से फ्लोपियन ट्यूब में अंडाणु निकलते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए स्पर्म जो है शुक्राणु जो है बहुत संख्या में शुक्राणु जो है इसमें प्रवेश करता है और प्रवेश करके और ये जो है
अंडाणु से जो है ये अंडाणु से मिलता है, ठीक है, और मिलने के बाद क्या करता है, निषेचित करता है, इसको फर्टिलाइज्ड करेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करता है, जैसे देखिए मान के चलिए ये क्या है, बेचारी हीरोइन है, ठीक है, ये क्या है, अंडाणु जो है हीरोइन है, ठीक है, आ इस सर्वा क्या है, ये सब जो है स्पर्म शुक्राणु क्या है, ये सब क्या है, गुंडा है सब, ठीक है, जैसे फिल्म मूवी देखे है ना, जस्ट लाइक उसी तरह, ठीक है। तो ये बेचारा सब लोग कहता है कि ये हीरोइनिया को हम रखेंगे, ठीक है, ये हीरोइनिया को हम रखेंगे, तो ये कहता है कि हम रखेंगे, तो ये कहता है कि हम रखेंगे, तो ये संभव है क्या, कोई एक ही उन्हें रख सकता है, तो ये में जो बाहुबली होगा इसमें स्पर्म स्ट्रांग होगा, वही लड़ करके और सब सलाह को सुमर छोड़ा देगा, अकेले जा करके आ हीरोइनिया से मिल जाएगा, ठीक है। देखिए बताते हैं, ठीक, तो देखिए इसमें जो स्ट्रांग स्पर्म होगा, शुक्राणु होगा, वो जा करके और ये अंडाणु से मिलन करेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये स्पर्म शुक्राणु जो है प्रवेश करेगा और यहाँ जो है वेट कर रही है, कौन कौन वेट कर रही है, अंडाणु। देखिए वेट कैसे कर रही है, ये बेचारी जो है ये हीरोइनिया यानी कि अंडाणु ओवम स्पर्म का वेट कर रही है और स्पर्म बहुत लेट लगा रहा है, तो ये कैसे कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, साजन तेरा इंतजार है, मिलने को दिल बेकरार है। ये ओवम कर रही है, ओवम जो अंडाणु है वो स्पर्म का इंतजार करते करते थक गई बेचारी, तब ये गाना गा दी, साजन तेरा इंतजार है और मिलने को दिल बेकरार है, ठीक है। तब ये बेचारा स्पर्म शुक्राणु जा करके अंडाणु से मिलेगा और निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। आइए अब देखिए हम बताएं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन में लैंगिक जनन करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो पेरेंट यानी कि दो जनक की आवश्यकता होती है। तो कैसे करेगी, देखिए एक मेल होगा और एक फीमेल होगी, ठीक है, एक नर होगा और दूसरा मादा होगी, ठीक है। तो नर में जो युग्मक पाए जाते हैं उसको नर युग्मक कहते हैं, यानी कि मेल में जो गैमिट पाया जाएगा उसको मेल गैमिट कहेंगे। और मेल गैमिट होता क्या है, तो स्पर्म होता है, मेल गैमिट क्या होता है, स्पर्म यानी शुक्राणु, ठीक है, मेल गैमिट क्या होता है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ठीक है। और फीमेल यानी कि मादा, फीमेल में यानी कि मादा में जो युग्मक पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, मादा युग्मक यानी फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट क्या होता है, यानी कि ओवम यानी कि अंडाणु, ठीक है। तो फीमेल गैमिट होता है अंडाणु और मेल गैमिट होता है स्पर्म यानी शुक्राणु। तो अब नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों मिलते हैं, तो उस क्रिया को, मिलने की क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं, ठीक है। और निषेचन की क्रिया के बाद जब निषेचन सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट यानी कि युग्मनन। जाइगोट क्या होती है, जाइगोट एक सेल होती है, कोशिका होती है, ठीक है। कोशिका यानी कि बच्चा बनने की प्रथम अवस्था को जाइगोट कहते हैं। जाइगोट क्या होती है, जब शिशु का निर्माण होता है तो पहले जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। जाइगोट जो होता है डिवाइड होकर के, विकसित होकर के, बंट करके और बेबी का निर्माण करते हैं, शिशु का निर्माण करते हैं।